प्रदेश में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव की संख्या जयपुर में है, जहां 800 के करीब कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं, जिनके संपर्क में आने वाले करीब 2700 लोगों को अलग अलग जगह पर 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन के दौरान इन लोगों को खाने और अन्य जरूरी सामान जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है। क्वारंटाइन किए गए लोगों में से अब तक 670 लोगों का क्वारंटाइन पूरा होने पर और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर वापस घर भेज दिया गया है, लेकिन घर भेजे जाने पर इन्हें 14 दिन के लिए होम आइसोलेट किया गया है ताकि कोरोना के संक्रमण को पूरी तरीके से रोका जा सके। कोरोना पॉजिटिव में जयपुर में सबसे अधिक संख्या है। जयपुर में अब तक 778 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं उनके संपर्क में आने वाले करीब 2700 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, लेकिन उनमें से करीब 670 लोगों को क्वारंटाइन पीरियड खत्म होने के बाद उनको घर भेजा जा रहा है। जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक क्वारंटाइन सेंटर इस स्कीम में बनाया गया था, जिसमें से 32 लोगों को आज घर भेजा जा रहा है। दरअसल इस क्वारंटाइन सेंटर में वो छोटे बच्चे भी शामिल थे जो अपने परिवार के साथ रहते थे, माता पिता के साथ थे, उनको भी क्वारंटाइन किया गया था, उनको भी आज घर भेजा जा रहा है। बस के जरिए इन सभी जो क्वारंटाइन किए गए जो लोग थे उनको अपने अपने घरों तक भेजा जा रहा है, ताकि किसी तरीके की जो असुविधा नहीं हो। इन सभी बातों को लेकर ध्यान में भी रखा गया है कि जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह की चूक नहीं हो। साथ ही साथ इनको निर्देशित किया जा रहा है कि अब 14 दिन तक उनको होम आइसोलेट रहना है, यानी कि घर में किसी से मिलना नहीं है, बाहर नहीं निकलना, ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्थाएं थी इनको लेकर भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी क्वारंटाइन थे और उनको 14 दिन का पीरियड खत्म होने के बाद में आज घर भेजा जा रहा है, तो ये भी एक खुशी की बात है। इसी के साथ साथ मैं जो बात कर रहे हैं कि जिला प्रशासन की ओर से किस तरह की व्यवस्थाएं थी इनको लेकर भी हम बात करेंगे कि सर किस तरह की इस दौरान जब 14 दिन का पीरियड था इनको यहाँ क्वारंटाइन किया गया था, किस तरह की जिला प्रशासन की तैयारियाँ थी, किस तरह का इनको खाना पानी और राशन पहुँचाया गया था। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय जयपुर के निर्देशानुसार श्रीमान SDM साहब जयपुर फर्स्ट, उनके निर्देशन में ये कार्य चल रहा था। ये होटल पाम को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जिसमें 44 लोग रखे गए थे, जिनमें 7 लोग पहले ही पॉजिटिव आ गए थे, जिनको यहाँ से SMS और हिम्स हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। और इनमें से आज 37 लोगों की रिपोर्ट CMHO साहब के यहाँ से नेगेटिव आई थी, जिनमें से नेगेटिव तो 34 लोगों की आई थी, लेकिन 2 की अंडर प्रोसेस थी और 1 का दोबारा सैंपल लिया गया है। और उनमें से 34 लोगों में से 32 लोगों को भेजा जा रहा है। एक बच्चे की उम्र 3 महीने होने की वजह से उसके माता पिता को यहीं रखा गया है। बात करें खाना और राशन की, इस दौरान किस तरह की व्यवस्थाएँ रखी है आप लोगों ने, किस तरह से मैनेज किया इस दौरान? हम दोनों टाइम इनको सुबह और शाम को चाय और सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रखी गई थी। आज से रोज़ा शुरू हुए तो इनके सुबह सहरी और शाम को इफ्तार की व्यवस्था भी जिला प्रशासन द्वारा श्रीमान SDM साहब जयपुर फर्स्ट के द्वारा की गई थी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि पूरी इनकी जो व्यवस्थाएं हैं इस दौरान जो क्वारंटाइन का पीरियड रहा, तभी सभी जो बातों का ख्याल रखा गया है, किसी तरह की अव्यवस्थाएँ नहीं हो, इनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इन्हीं बातों को लेकर 14 दिन का जो क्वारंटाइन पीरियड है वो यहाँ पर ख़त्म हुआ है। और जिस तरह से आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी इस क्वारंटाइन पीरियड के दौरान अब यहाँ क्वारंटाइन रहे और अब उनको घर भेजा गया है। जयपुर से कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ में लोकेश शोला A1।